नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभता और स्वागत है आपका पंजाब अपडेट्स में। नए दिन की शुरुआत करेंगे पंजाब की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। पंजाब के लीडरों को धमकियां देने वाले गैंग का पर्दाफाश, बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, कई घायल। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, पंजाब में ऑनलाइन उपलब्ध होगा ई स्टैम्प। मोगा पुलिस को मिला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ट्रांसजिट रिमांड, पंजाब में मौसमी बदलाव के आसार। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के लीडर को धमकियां देने वाला गैंग का हरियाणा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जी हां, व्यापारी लीडरों को धमकियां देने वाले 6 बदमाशों को महाराष्ट्र और बिहार से गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पर रंगदारी मांगते थे। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में बैठे ठगों के साथ इन बदमाशों के लिंक जुड़े हुए थे। वहीं आपको बता दें कि इन बदमाशों द्वारा पंजाब के नेताओं ओपी सोनी, वेरका और केडी भंडारी को धमकियां दी गई थी। थाना सदर के अधीन आते गांव धीना में एक निजी स्कूल बस खेतों में पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बस में एक दर्जन के करीब बच्चे बैठे हुए थे, जिन्हें मामूली चोटें लगी। घायलों को एक निजी अस्पताल में फर्स्ट एड दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। जानकारी के अनुसार स्कूल बस की रफ्तार तेज थी। तीखा मोड़ होने की वजह से एक ऑटो को बचाते हुए ड्राइवर से बस कंट्रोल नहीं हुई, जिसकी वजह से खेतों में जाकर बस पलट गई। हालांकि उसमें सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन मामूली चोटें लगी हैं, जिन्हें अस्पताल से इलाज करवा बच्चों को अपने घर भेज दिया गया। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब होशियारपुर के मेयर सुरेंद्र छिंदा व 3 पार्षदों सहित पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि मेयर सुरेंद्र छिंदा पहले ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल सुंदर अरोड़ा के करीबी हैं। अरोड़ा और कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस प्रधान अमरेंद्र सिंह राजावड़िंग ने होशियारपुर आकर मौका संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर कांग्रेस में पड़ी टूट के कारण निगम के पार्षदों को पार्टी संभालने में दिक्कत आ सकती है। पंजाब सरकार द्वारा स्टाम्प पेपरों की बिक्री ऑनलाइन करने के नोटिफिकेशन के बाद 1 अगस्त से पूरे राज्य में 50 रुपए से शुरू होने वाले सभी स्टैंप ऑनलाइन ई स्टैंप मिलने शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा कागज स्टैंप बेचने की तिथि आगे नहीं बढ़ाने से राज्य के सैकड़ों स्टैंप विक्रेताओं में सरकार के खिलाफ विरोध की लहर पाई जा रही है। मुक्सर निवासी रंजीत राणा की हत्या के मामले में मलोट थाना सदर की पुलिस द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का लिया 4 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद अब मलोट कोर्ट में उसे पेश किया गया। इस दौरान फरीदकोट और मोगा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के रिमांड की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मोगा पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई का ट्रांसजिट रिमांड दिया है। कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन के रिमांड पर मोगा पुलिस के हवाले कर दिया है। अब मौसम की खबर की तरफ रुख करें तो मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में मौसमी बदलाव के आसार हैं। वहीं पंजाब के अलग अलग जिलों में आज के मैक्सिमम और मिनिमम तापमान की बात करें तो आज जलंधर में मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चलेगी। लुधियाना में आज मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं हवाओं की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चलेगी। अमृतसर में आज मैक्सिमम 31 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चलेगी। पटियाला में आज मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं हवाओं की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।